Hello students, good morning. Today we will study about the chapter triangles and its properties. In this chapter we will study about the type of triangle and some properties of triangle like exterior angle property, angle sum property. After that we will study about two special triangles, equilateral triangle and isosceles triangle. Today in today's class we are going to discuss exterior angle property and revise some concept of class 6th, in which a student all of you already studied about the types of triangles. After that we will discuss about medians and altitudes of a triangle. So now let's start. Here it is a triangle ABC. These three points are vertices of triangle. And then we get vertices. Singular में अगर हम आएंगे तो ये vertex A हो गया, ये vertex B हो गया और ये vertex C हो गया. ठीक है ना? जो triangle होता है हमारा कितने type का होता है? टू टाइप से हम जो है ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले साइड्स के बेसिस पर, दूसरा एंगल्स के बेसिस पर. साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल जो होता है हमारे पास सबसे पहले आता है स्केलर ट्रायंगल. आप लोगों ने सिक्स क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा. स्केलर ट्रायंगल कैसा होता है? जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है. लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है वो कैसा ट्रायंगल होता है? स्केलर ट्रायंगल होता है. सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. इन आइसोसेलेस ट्रायंगल देयर आर एनी ऑफ टू साइड इक्वल. कोई भी दो साइड क्या होती है? उसकी इक्वल होती है. हो सकता है ये वाली इसके इक्वल हो, ये वाली इसके इक्वल हो, या फिर ये वाली इसके इक्वल. क्लियर? द थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. क्लियर? सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल. In acute angle triangle, all of three angles are acute. Acute angles are less than 90 degree. यानी इसके तीनों एंगल क्या होते हैं? 90 degree से छोटे होते हैं. In obtuse angle triangle, any one of angle is obtuse. That is, it lies between 90 degree and 180 degree. And the third one, right angle triangle, is made up of right angle. Right angle means the angle of 90 degree. इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है हमारे पास, वो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल. अक्यूट वाले में तीनों अक्यूट होते हैं, ऑब्ट्यूस वाले में कोई एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, राइट एंगल में कोई एक राइट एंगल हो. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू medians and altitudes. The basic difference between medians and altitude is what? Median. If we draw a line segment from any vertex of a triangle to the opposite side, अगर हम vertex A से इस vertex B side BC पर एक line segment बना रहे हैं, ठीक है, और वो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है मीडियन की, कि अगर आपके पास ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट
जो किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो बी डी इक्वल टू डी सी, एंड इफ वी जॉइन ए डी मतलब ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, then we find the median AD. So here AD is median. एक बार फिर समझते हैं कि median क्या होती है. Median वो line होती है जो opposite side को दो equal part में divide करती है. Clear? दो equal part में divide जो कर रही है A से B तक चली गई. यहाँ B से भी आ सकती है. ठीक है ना? ये B से आ गई. होगा वो यहां से भी आपके पास एक मीडियम ड्रॉ किया जा सकता है जो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. सी एफ इज ऑल्सो अनदर मीडियम. तो यहाँ पर तीन मीडियम मिले हमें, ए डी बी ई एंड सी एफ, थ्री मीडियम्स इन अ ट्रायंगल. हम सिंपल मेजर कर सकते हैं ना, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर मेजर करा, 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो ये जो पॉइंट मिला इसको इससे जॉइन कर दिया सीधा. ये जो तीनों मीडियन होते हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्टेक्स नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, हायर क्लासेस में अभी आप पढ़ोगे, अभी नहीं है. अभी आपको बस ये समझना है कि मीडियन होता क्या है. मीडियन जो अपोजिट साइड है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, सिंपल. क्लियर है? देन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का दूसरा नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, आपने 6th क्लास में सुना होगा परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सुना है, या आपने सुना होगा हाइट ऑफ ट्रायंगल के बारे में. एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, सभी ने पढ़ा है, 4th-5th क्लास में पढ़ लेते हैं. यहाँ पर ये जो बेस है ये जो हाइट है ये क्या है, यानी कि ये ट्रायंगल है अगर हमारे पास, इससे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ हम बोल सकते हैं एक लाइन सेगमेंट बनाई जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन सेगमेंट के साथ. ये ए बी सी ये ट्रायंगल था, ए से हमने एक एल्टीट्यूड बना दिया. तो तीनों का मतलब क्या है, एक ही है. Altitude is simple perpendicular, ठीक है ना? ये क्या है? इस तरह का आपने साइन देखा होगा कि AF is perpendicular to BC, ये उल्टा T बनाया जाता है. 6th क्लास में आपने ये पढ़ा है, ठीक है ना? कि अगर ये इस पर perpendicular है तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, हो गया ये altitude. क्लियर है? क्या हो गया ये altitude. नेक्स्ट, ये तो था हमारे पास एक acute angle triangle. अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो इस तरीके से, तो इसमें ये वाला जो वर्टेक्स है जहां पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड बनाऊंगा जब मीडियन बनाऊंगा तो वो कहीं यहां जब मान लिया एल्टीट्यूड ये आ गया यहाँ पर और मीडियन ये आ गया, यानी ये वाले इसके इक्वल हो गए, दोनों इक्वल नहीं है. ये दोनों इक्वल कहाँ है, ये वाली साइड इक्वल हो सकती है, ठीक है ना? ये आप जो है यहाँ पर बनाएंगे तो हो सकता है किसी किसी केस में ये जो मीडियन है और ये जो एल्टीट्यूड है सेम मिल जाए, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सेम होते हैं. अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो यही एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है. आई बात समझ में? अगर हम इस वर्टेक्स से मीडियन बनाएंगे तो वो कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ बन जाएगा. अभी फिलहाल हम मेजरमेंट थोड़ी कर रहे हैं, वैसे ही बना दिया हमने, ठीक है ना? तो मान लिया ये पॉइंट है N और ये दोनों साइड हमारे पास है इक्वल. लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एल्टीट्यूड बनाना है तो ध्यान देंगे एल्टीट्यूड बनेगा बाहर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में. अगर इस वर्टेक्स से मुझे एल्टीट्यूड बनाना है तो मुझे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस अपोजिट साइड पर बनेगा ना एल्टीट्यूड हमेशा. इसे एक्सटेंड करा हमने किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया M, तो ये एल्टीट्यूड हो गया. AM इज एल्टीट्यूड, ये हम बोल सकते हैं AM इज परपेंडिकुलर टू MC. क्लियर? नेक्स्ट,
इसमें जो आ रहा है हमारे पास वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है। किसी ट्रायंगल के अंदर तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, हमें पता है ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। लेकिन एक्सटीरियर एंगल कहां बनेगा, अगर मैं इसे बाहर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो क्या ये भी तीन ही होंगे, तीन ही एक्सटीरियर एंगल होंगे यहाँ पर, चाहे मैं इसको इधर एक्सटेंड कर दूं चाहे मैं इधर एक्सटेंड कर दूं, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, जब दो लाइन क्रॉस करते हैं दूसरे को तो ये दोनों एंगल इस तरीके से जो बनते हैं इक्वल होते हैं, इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं ना। तो ये वाला एंगल या इसको इधर एक्सटेंड कर दें, ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल है ये वाला इसके, ये वाला अगर हमने इधर एक्सटेंड कर दिया तो ये इसके इक्वल आ गया, बट अल्टीमेटली थ्री एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गए, ठीक है ना। तो ये जो थ्री एक्सटीरियर एंगल्स है इन पर प्रॉपर्टी कैसे है इसको समझ लेंगे जरा। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी था और इसको आपने एक्सटेंड कर दिया बीसी को अप टू डी, तो ये वाला जो एंगल बना है इस एंगल का नाम क्या है, एक्सटीरियर है लेकिन इसका क्या नाम है, एसीडी बोलूंगा मैं इसको या डीसीए भी बोल सकता हूं मैं इसको, खाली एंगल सी नहीं बोल सकता, ध्यान देंगे एंगल सी हम कब बोल सकते हैं, जब एंगल सी अकेला होगा ऐसे तब आप इसको एंगल सी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अगर एंगल सी बोला जाए तो ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है आपको क्लियर करना पड़ेगा। ए बी सी डी नहीं बोल सकते, अरे बात समझे, तो सभी के बात समझ में आ रही होगी, ये वाला जो एंगल है ये ए सी डी, तीन पॉइंट से मिलकर एंगल बनता है ना, चार पॉइंट से एंगल नहीं बनता या दो पॉइंट से एंगल नहीं बनता है, क्लियर है सभी को। ये वाला जो एंगल है ये इंटीरियर है, इसे छोड़कर ये वाले जो दो एंगल है ये क्या है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है इस वाले एक्सटीरियर एंगल के लिए। जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी बुक में दे रखी है आगे पेज नंबर ये है आपका, पेज नंबर हो जाएगा ये कौन सा है 117, ठीक है ना। तो पेज नंबर 117 पर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मिल जाएगी लिखी हुई, उसमें आप रीड करके देख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर में जो अपोजिट है उसके वो दोनों एंगल अगर जोड़ दिए जाए तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये हमें मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये 50 है ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ये बात समझ। अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर देता तो ये वाला एंगल कौन कौन से एंगल के इक्वल होगा, इसके और इसके, इसके और इसके सम के इक्वल होगा ये वाला अकेला एंगल, आई बात समझ क्लियर है। तो ये सिंपल सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 में, सीधा सीधा इसका यूज है एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चन आप करेंगे उसमें आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का ही यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्लास में भी हमने कराया था इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्या था एंगल सम प्रॉपर्टी बताई थी हमने, इसको हमने कहा था शॉर्ट में आप ए एस पी भी बोल सकते हैं, ए एस पी या एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, किसी ट्रायंगल में हमारे पास तीन एंगल हैं इंटीरियर और इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे हायर क्लासेस में, क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है 4-sided पॉलीगन है, ट्रायंगल क्या है, 3-sided पॉलीगन, ये ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं,
पेपर भी आपका हो चुका है उन चैप्टर्स का जिसमें ये हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे पॉलीगन वाले। पढ़ा है पॉलीगन क्या होता है? पढ़ा है पढ़ा है ना, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे प्लस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए। एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो हमने करा दिया था लास्ट क्लास, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट आएंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।